भूत का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, जैसे कि क्या भूत सच में होते हैं या नहीं, तो हम आज आपको दुनिया की सबसे डरावनी घटनाएं बताएंगे, जिसके बाद आपके दिमाग में चल रहे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीपल्स वॉइस में। तो आइए शुरू करते हैं, नो झंझट नो बकवास, सीधे फैक्ट्स की बात। नंबर एक, कुचिसेक ओना। जापान की लोक कथाओं के अनुसार कुचिसेक ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है, और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी भी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। दूसरी घटना है इंग्लैंड की, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए, और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज़ थी, जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती। उस समय बाद इस तस्वीर को ही रहस्यमयी मान लिया गया। तीसरी घटना है फिलीपीन की, तियानक। तियानक लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज़ निकाल कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। चौथी घटना है जापान की, टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनोज हेल को एक स्थापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में साइजो योसो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोपी योमाता ने इसे द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के एक व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। मैंने वीडियो में दुनिया के और देशों का जिक्र किया, लेकिन एक ऐसी ही घटना हमारे देश में हुई, मंकी मैन। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई। इसे कुछ जगह पर मुंहनोचा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।